बताओ क्या मसला है भाई अब्दुल रहमान, नहीं करनी क्या शॉपिंग? ये क्या हो गया? तुम्हारे बन गया हुआ है। इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अच्छा ये क्या नमाज भी अच्छी हो गई। आज हम लोग बड़े लड़ान आखिर जुम्मा ये हम लोग घर जाने नाश्ता करने। हेलो 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 अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग कह रहे होंगे बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहा, उसकी वजह है अब्दुल रहमान, क्योंकि अब्दुल रहमान में वो एनर्जी अब रही नहीं है कि अब्दुल रहमान कोई वीडियो शूट करें। इनका दिल ही नहीं चाह रहा है व्यूअर से बात करने। तो भी हम कहाँ जा रहे हैं? सो जाए, कैंसिल कर दो जाना। घर में रहोगे? क्यों? तो इनकी शॉपिंग हुई नहीं थी और आज 26वां रोज़ा है और रजी आज फ्री हुए हैं। तो अभी जाने का है कि अब्दुलरहमान को हमने कुछ शॉपिंग करवानी थी, शलवार कमीज़ इनके मैं लेकर आ गई थी, लेकिन वो हमने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में रश था और मैं आप ही लोगों के साथ गई थी, रजी बिजी थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रजी के बगैर नहीं ले सकती, रजी को समझ में नहीं आती। रजी कह रहे हैं कि आ चलो, लेकिन अब्दुलरहमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। क्या हुआ है? हाँ, आप तो बहुत एक्साइटेड थे अपनी शॉपिंग के लिए, फिर क्या हो गया मूड को अचानक? पंखा क्यों चलाते यार, गर्मी हो रही है। तो अब्दुल रहमान बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन आज अब्दुल रहमान का मूड आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब्दुल रहमान इधर दिखाओ, आपकी शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, और एक पैंट और एक टी शर्ट अब्दुल रहमान के पास है और शलवार कमीज़ अब्दुल रहमान के आ गए हैं। आप लोग शॉपिंग करने जाने के लिए कौन इतना डाउन होता है? अब्दुल रहमान बताओ क्या मसला है भाई? अब्दुल रहमान नहीं करनी क्या शॉपिंग? नहीं, अब्दुल रहमान का बिल्कुल, अब्दुल रहमान के अंदर एनर्जी रही नहीं जो कल रात तक थी। पता नहीं क्या हो गया आज, समझ नहीं आ रहा है। चलिए आइए अब्दुल रहमान, उठिए। क्यों नहीं जा रहे? नहीं उस्मान हैप्पी है?
तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अब्दुल रहमान का मूड किस कदर ख़राब हुआ हुआ है, उस्मान और सुभान बिल्कुल नॉर्मल हैं, और इस जबकि अब्दुल रहमान अपनी शॉपिंग के लिए हर वक्त एक्साइटेड रहते हैं, हर चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं, आप लोग देखते हैं ये चीज़। लेकिन पता नहीं इसको सुबह क्या हो गया था, और अक्सर सुबह इसका यही होता है, मुझे नहीं पता कि क्यों इसका इतना मूड ख़राब हो जाता है कभी कभी। अगर पता नहीं इंटरनल तबीयत इसकी ठीक नहीं है और ख़ुद से वो कुछ नहीं चाह रहा होता, वो चीज़ें जो उसको करना अच्छा लगता है वो उस वक्त उसको इतनी बुरी लग रही होती है। तो बस यही वाली सारी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें कि हमने पहले इससे कर ली थी, तो कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो हमें आज करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रजी के काम की वजह से। तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए, हमने जाना था आगे, लेकिन हमें एक अच्छी यहाँ पर ब्रांडेड शॉप मिल गई थी जहाँ पर बहुत रिजनेबल प्राइस में हमें अच्छी चीज़ें मिल गई बच्चों की। इधर रख के आ, इधर आओ, कॉटन की चाहिए, इधर रखो। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन सी वाली लेनी है फाइनल। ठीक है, ये अब्दुल रहमान के लिए निकाली है, ठीक है, और ये वाली, ये भी अब्दुल रहमान के लिए, सही है। और यहाँ पर जो रजी ने सारी टी शर्ट्स निकाली हैं उसमें से अब हम सिलेक्शन करेंगे कि इनके लिए कौन कौन सी अच्छी है। तो अभी हमने अब्दुल रहमान उस्मान के जो टी शर्ट्स थी, जो टी शर्ट्स लेनी थी वो ले ली हैं उस्मान, और अभी उस्मान की पैंट रह गई है, और तो हमारा काम यहीं पर ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज जल्दी हो गया। हुआ अच्छा ये कि हम रोजे से पहले आ गए थे, तो अभी हम फ्री हो रहे हैं, अब देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं। अभी देख रहे हैं रजी अपने लिए कपड़े, बहुत टी शर्ट। और एडवाइस सबको यही है कि रोज़े से पहले आके आप शॉपिंग कर लें, क्योंकि अभी अभी मैं 3 दिन पहले गई थी आप ही लोगों के साथ, तो वहाँ इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो और अच्छा यही कि आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग इफ्तार से पहले आएँ और जल्दी फ्री होकर घर चले जाएँ, इससे ये रहेगा कि रश नहीं होगा। देखें अभी कितने सुकून से आप हर चीज़ देख लेते हैं, वरना अभी लास्ट में होता ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आपको। उठो यहाँ से, उठो, ये क्या हो गया, तुम हाथ ही बंद हुआ है, चलो बैठ जाओ। अब्दुल रहमान, उस्मान इधर आइए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अब्दुल रहमान कितने ज़्यादा बेजार हुए हुए हैं, और ये फ़ौरन जाके गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी में ही बैठे हुए थे। बच्चे कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इन सारी चीज़ों में, और अब्दुल रहमान भी रहते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान कभी कभी अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पता नहीं क्या इसके मूड को हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर जिन चीज़ों में खुश होते हैं तो वो हर वक्त ही खुश रहते हैं। शॉपिंग करना, बाहर जाना बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, लेकिन अब्दुल रहमान आज हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अब्दुल रहमान को आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है अब्दुल रहमान के अंदर, बस अब्दुल रहमान हमारे लिए साथ आ गए थे। मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये दिन का टाइम था और दिन में ज़रा ये लोग वैसे भी डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो यहाँ बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ हम आ गए थे बच्चों को कुछ दिलाने के लिए। गाड़ी का शीशा खुला हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ जो मैं अब्दुल रहमान से कह रही हूँ कि गाड़ी का शीशा खुला हुआ है, वो बात यह है कि अब्दुल रहमान जो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो अब्दुल रहमान गाड़ी का शीशा खुला रख कर ही बाहर आ गए थे रोना टेके, तो इनकी रजी से डांट पड़ रही थी।
कभी कभी कुछ चीज़ें दुनिया के लिए करनी होती हैं जो आप नहीं करना चाह रहे दिल से, लेकिन वो आपको करना होता है सब लोगों के लिए, सब दुनिया में रहने के लिए आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ऐसी ही कुछ फीलिंग अब्दुलरहमान की थी आज। अब्दुलरहमान बहुत ही सैड मूड से सारी चीज़ें अब्दुलरहमान ने करी। मुझे इतना देखकर इसको हो रहा था कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, हर चीज़ में इसको कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो यहाँ डोनट खा के थोड़ा सा मूड इसका ठीक हो गया था, ये बोलकर कि चलो हम शूज़ भी लेते हैं आपके। बहुत बहुत रज़ी और मैं इसको इंसिस कर रहे थे हर बात के लिए, तो यहाँ हम शूज़ के लिए इसको लेकर आए हुए थे कि शायद इससे इसका मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि हमने इनके शूज़ भी ले लिए थे पहले और शूज़ का इतना मसला होता भी नहीं है, वो रज़ी ख़ुद भी जाकर लेकर आ जाते हैं। तो बस इस तरह से हमारा शॉपिंग डे आज हुआ कंप्लीट अब्दुलरहमान के मूड के साथ। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आए, जो आप लोग सब देखेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में कि अब्दुलरहमान का जो मूड है वो फुली ठीक कैसे हुआ। तो इंशाल्लाह वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।